उनका सोर्स ऑफ लव, उनका सोर्स ऑफ रिकग्निशन, उनका सोर्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट वॉज कृष्णा. उनको बाहर की दुनिया से वाह वाह नहीं चाहिए थी, उनको भगवान से चाहिए था. सो दे वर हैप्पी. पर हमें लोगों से चाहिए, इसलिए फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं, फिर हमें गुस्सा आता है. हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का पर्पस लोगों को खुश करना नहीं है, ठाकुर जी को खुश करना है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. माता जी लोग साड़ी खरीदने जाते हैं, आप लोग, हमारी आदत क्या होती है जब हम साड़ी खरीदने जाते हैं, पूरा दुकान पहले तो उसको ये करवाएंगे, ये साड़ी निकालो, ये साड़ी निकालो, ये साड़ी निकालो. 2 घंटा उसको पकाने के बाद बोलेंगे नहीं जमा नहीं है, बाद में आएंगे. करेक्ट, ऐसा करते हैं ना. या तो कभी कभी इतनी साड़ी या सब कुछ निकालने के बाद में 2 खरीदेंगे, और फिर 2 खरीदने के बाद में जब बिल काउंटर के पास में देंगे, बिल काउंटर में किसी और की साड़ी पड़ी है वो भी देखेंगे, ये अच्छी थी ना ग्रीन वाली, अरे बाबा मैडम 4 घंटे से तो आप माथा करें फिर भी इसका. तो अब आई टेल यू क्या होता है जब आप ऐसा करते हो ना, तो सेल्समैन होता है ना जो साड़ी बेचता है, उसको बहुत गुस्सा आता है. बेचारा बोलता नहीं है, मन में अंदर में गाली देता है कि और कितना पकाएगी, लेगी कि नहीं लेगी. बट आई टेल यू वो क्यों हमें गाली नहीं देता, आई टेल यू वो क्यों हमें गुस्सा नहीं दिखाता, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो बिल काउंटर पे है, जो वहां पे ओनर बैठा है ना, जो उसको महीना के एंड में सैलरी देगा. तो वो सोचता है कि मैं अगर अच्छे से बिहेव करूंगा तो मुझे तो सैलरी उनसे मिलनी, मेरे को इनके साथ में मेरा क्या कंसर्न है, मुझे तो मेरे ओनर को खुश करना है. वैसे एक डिवोटी की मेंटालिटी होनी चाहिए. लोग हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, मुझे तो कृष्ण को खुश करना है. इनको खुश करने से क्या है, मेरी सैलरी तो मुझे कृष्ण से मिलने वाली है, वो लोग वृंदावन तो कृष्ण ले जाने वाले. क्या एक भजन मुझे याद आ रहा है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे. हम तो ब्रह्मचारी नहीं है, हमें तो दुनिया वालों से काम है, बट एटलीस्ट हम मेंटली उन्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए. बस कृष्णा शुड बी अवर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. जब हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो पूर्ण नहीं है, इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है ना, एवरीबडी हैज फॉल्ट, कोई सर्वगुण संपन्न है क्या, ओनली पूर्ण इज कृष्णा. तो उनसे ही जो है हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारा जो है बाहर के लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रख के, हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अगर कृष्ण हो तो धीरे धीरे हमारा जो ये फॉल्स ईगो भी कम हो जाता है, हमें समझ में आता है ठाकुर जी की इंपॉर्टेंस, और फिर गुस्सा नहीं आता है.